एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने राज्य के सारे बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे कहा, मैं एक ऐसा सूत्र चाहता हूँ जो छोटा हो। बड़े शास्त्र मुझे नहीं चाहिए और मुझे फुर्सत भी नहीं बड़े शास्त्र पढ़ने की। मुझे तो सिर्फ छोटा सूत्र चाहिए जो एक वचन में पूरा हो जाए और जो हर घड़ी में काम आए। दुख हो या सुख, जीत हो या हार, जीवन हो या मृत्यु, सब में काम आए ऐसा सूत्र मुझे चाहिए। तो तुम लोग एक ऐसा सूत्र मेरे लिए खोज लाओ। उन बुद्धिमान लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विवाद किया, लेकिन ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला। वे आपस में बात करने लगे। उसमें से एक ने कहा, हम तो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। ऐसा सूत्र आखिर हम कहाँ से लाए जो सुख दुख, जीत हार, जीवन मृत्यु हर जगह काम आए। तभी दूसरे व्यक्ति ने कहा, हमने सुना है एक सिद्ध महात्मा गांव के बाहर ठहरे हैं। वो बहुत ही ज्ञानी महात्मा है, क्यों ना हम उसी के पास चले। वे सारे लोग उस महात्मा के पास पहुंच गए और उनको सारी बात बताई। उस महात्मा ने एक अंगूठी पहन रखी थी। अपनी उंगली से वह अंगूठी निकाल कर उसने सम्राट को दे दी और कहा, इस अंगूठी को तुम पहन लो। इसमें हीरे के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें एक सूत्र लिखा है। वह मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे तो जरूरत भी ना पड़ी, इसलिए मैंने अभी तक खोल कर देखा भी नहीं। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी कि जब कुछ उपाय न रह जाए, सब तरफ से तुम निरुपाय हो जाओ, तब भी इसे खोलकर पढ़ना। भगवान की कृपा से मेरे जीवन में तो अभी तक ऐसी कोई घड़ी नहीं आई, इसलिए मैंने इसे कभी खोल कर नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें जरूर कुछ राज छिपा होगा, इसलिए आप ही इसे रख लो। लेकिन हाँ, शर्त याद रखना और मुझे वचन दे दो कि जब कोई उपाय न रह जाए, सब तरफ से असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलोगे, क्योंकि यह सूत्र बड़ा अमूल्य है। अगर तुम इसे ऐसे ही खोल दोगे तो अर्थहीन होगा। सम्राट ने महात्मा को वचन दे दिया और अंगूठी पहन ली। देखते देखते सालों बीत गए। कई बार सम्राट को जिज्ञासा भी हुई कि वो सूत्र देख ले, एक बार वो सूत्र पढ़ ले, लेकिन फिर सोचता था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फिर काफी वर्षों बाद एक युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और सामने वाला दुश्मन जीत गया, उसके राज्य को हड़प लिया। वह सम्राट तो एक घोड़े पर सवार होकर भागा। अपनी जान बचाने के लिए उसके हाथ में से राज्य तो गया, लेकिन साथ ही साथी, दोस्त, परिवार सब कुछ पीछे छूट गया। दो चार सैनिक और रक्षक उसके साथ थे, वे भी धीरे धीरे हट गए, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था, तो रक्षा करने का भी कोई सवाल नहीं था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भागा जा रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, टापे सुनाई दे रही थी। सम्राट के प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि आगे का रास्ता समाप्त हो गया है, आगे तो भयंकर गड्ढा है, वह मुड़ के वापस भी लौट नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट तो स्तब्ध रह गया कि अब क्या करे। तभी अचानक उस सम्राट को अपनी अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी खोली और कागज निकाला, उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, यह वक्त भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसको एक बात का ख्याल आया कि सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य गया, सुख भी गया, और अगर सुख भी बीत गया है तो दुख भी बीत जाएगा। उस सूत्र ने तो जैसे सम्राट के भीतर कोई सोया तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया। यह वक्त भी गुजर जाएगा, ऐसा एहसास होते ही सम्राट की सारी बेचैनी चली गई, घबराहट भी चली गई। वह स्थिर हो गया और शांति से बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़े की टाप सुनाई देती रही, लेकिन फिर अचानक बंद हो गई। शायद घने जंगल में उन लोगों को पता नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया है। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर होती गई। सम्राट ने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों बाद दोबारा उस सम्राट ने अपने मित्रों को वापस इकट्ठा कर लिया। फिर उसने वापस अपने दुश्मनों पर हमला किया और पुनः जीत हासिल की। फिर अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर पुनः उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा और फिर मुस्कुराया। दोबारा विजय का आनंद, उल्लास, विजय का दंभ सब गुम हो गया।
उसके वजीरों ने उससे पूछा, आप थोड़ी देर पहले तो बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम शांत क्यों हो गए? सम्राट ने कहा, जब सब बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और ना ही सुखी होने को कुछ है। यह वक्त भी गुजर जाएगा। अगर ये सूत्र तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो और क्या चाहिए? यहाँ पर दो दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अगर सब बीत जाएगा तो क्या अकड़ाना, कैसा गर्व, किस बात के लिए इठलाना? यह जवानी भी बीत जाएगी, यह दो दिन के लिए तितलियों जैसे पंख, यह सब बीत जाएगा। इसलिए कहते हैं, दो दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा और फिर मरकट की शांति।